अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सन्नाज एम्ब्रॉयडरी चैनल। आज मैं जो है ये रोज़ का मोटिव जो है तारकशी का मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये मैं पहले से बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये इस तरह से बना के तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से जो है ये मैंने इसको बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये मैंने 2.5 इंचज़ जो है इसकी लेंथ रख के उसको मैंने मार्क कर लिया था। और ये मैंने इसकी जो है ये टोटल 31 जो हैं ये मैंने लाइन जो हैं ये निकाल ली हैं। 31 चाहिए थी मुझे क्योंकि इसकी साइड्स पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से खाली रहेगा तो वो बहुत खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये जो है 31 जो हैं ये मैंने निकाल ली हैं और 2.5 इंचज़ पे जो है लेंथ वाइज ये निकाली हैं। उसके बाद जो है ये मैंने 5-5 जो हैं वो धागे लेके तो इनको बांध के इस तरह से इनका नेट बना लिया। तो इसके जो है धागे निकालने की और नेट बनाने की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये मैंने जो है इसका सेंटर वाला जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। उसके लिए ये 31 बॉक्सेस थे तो 15 जो हैं एक साइड पे, 15 एक साइड पे और जो 16 वाला था वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है। और ये मेरे पास जो है ये येलो कलर की मेरे पास शर्ट है, ये बेसिकली जो है ये फ्रॉक की बॉडी है छोटी बच्ची की, बिल्कुल छोटी बच्ची है उसके लिए जो है ये मैं बनाया मैंने। तो ये बॉडी के ऊपर जो है ये इसके सेंटर में आएगा। तो इसके लिए जो है ये मैंने इस तरह से करके तो 16 वाला बॉक्स जो है वहाँ से मैंने कर लिया। ये मैं कंट्रास्ट में बनाऊंगी इसके साथ, रेड जो है वो ट्राउज़र था तो उसके लिए जो है मैंने ये मल्टी कलर का जो धागा है उसको मैंने यूज़ किया। तो ये देखिए अब यहाँ से मैंने जो है ये 3 बॉक्सेस नीचे से छोड़ के, सॉरी 4 बॉक्सेस छोड़े थे मैंने। 4 बॉक्सेस छोड़ने के बाद जो सेंटर वाला था वहाँ पर ये मैंने 8 बॉक्सेस जो है उनको फिल कर लिया लेंथ वाइज इस तरह से। और ये जो है ये मैंने एंकर का धागा इस्तेमाल किया और डबल जो है वो मैंने डाल के तो ये उसको मैंने यहाँ किया। वैसे जो है हम 3 टाइम जो है 1 बॉक्स को फिल करते हुए उसमें से नीडल जो है वो निकालते हैं, धागा निकालते हैं, लेकिन ये जो है ये डबल थ्रेड था तो ये जो है 2 दफ़ा करने से ही हमारा जो है ये फिल हो गया। ये हमारे 8 बॉक्सेस फिल करने के बाद ये देखिए यहाँ से मैंने 1 बॉक्स जो है वो नीचे से छोड़ के तो उससे ऊपर वाला जो है 1 बॉक्स उसको फिल कर लिया। फिर नेक्स्ट में 1 बॉक्स छोड़ के तो देखिए यहाँ से फिर मैंने 2 बॉक्सेस फिल किए हैं। फिर नेक्स्ट में जो है ये मैंने छोड़ के ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने 2 बॉक्सेस फिल किए। फिर नेक्स्ट में 1 बॉक्स नीचे से छोड़ के ये 1 बॉक्सेस हम फिल कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस जो हैं हमारे ये स्टेप बाय स्टेप जो हैं ये फिल हो जाएंगे। 4 बॉक्सेस फिल होने के बाद 1, 2 और 3 स्टेप बाय स्टेप ये करने के बाद यहाँ से हम ये कम करके तो ये 3 बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है फिर हम नीचे से कम करके ऊपर से लगा के 3 बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में नीचे से हम जो है वो उसके इक्वल रखेंगे और ऊपर से एक बढ़ा लेंगे और ये हमारे 4 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर और नीचे वाले 2-2 बॉक्सेस फिल करेंगे और सेंटर वाला जो है वो खाली रहने देंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर वाला 1 बॉक्स जो है उसको फिल करेंगे, उसके बाद एक छोड़ के नीचे वाले 3 बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ऊपर वाला 1 बॉक्स फिल करेंगे हम, 1 छोड़ेंगे और नीचे वाले 2 बॉक्सेस फिल करेंगे और 1 बॉक्स जो है उसको हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ये देखिए इस तरह से नीचे से कम करके तो ऊपर से इक्वल रख के ये 3 बॉक्सेस फिल करेंगे और फिर जो है इनके सेंटर वाला 1 बॉक्स जो है उसको फिल करेंगे। इस तरह से जो है ये हमारा लीफ बन जाएगा और दूसरी साइड पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है वो बनेगा। जिस तरह से हमने इस साइड पर बनाया इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी बना लेंगे इसको। तो इसको आप सेंटर से भी स्टार्ट करते हैं, एक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ से अब आप देख लीजिए यहाँ से हमारे कितने बॉक्सेस जो हैं वो खाली हमने छोड़े हैं, 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सिक्स ही बॉक्सेस जो हैं उनको हम छोड़ के तो सेवन्थ वाले से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने लीफ बनाया है इसके ऊपर से जो है हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फोर बॉक्सेस छोड़ के एक साइड से जो है हम इस साइड से हम सेवन बॉक्सेस छोड़ेंगे और लीव के ऊपर से हम फोर बॉक्सेस छोड़ेंगे। फोर बॉक्सेस छोड़ने के बाद वन टू थ्री थ्री बॉक्सेस हम फिल कर लेंगे। ये थ्री बॉक्सेस फिल करने के बाद ऊपर से हम टू बॉक्सेस छोड़ के और नीचे से टू नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, थ्री बढ़ाएंगे, वन टू थ्री फोर, फोर बॉक्सेस जो हैं ये हमारे फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है ये मैंने ऊपर से कम किया है और नीचे से जो है नीचे से भी मैंने जो है उसका एक बढ़ा के तो ये भी फोर बॉक्सेस फिल कर लिए। फिर इसके नेक्स्ट में नीचे से हम जो है वो उसके इक्वल रखेंगे, ऊपर से कम कर लेंगे, थ्री बॉक्सेस हमारे फिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में नीचे से जो है इसके बराबर रख के ऊपर से कम करके टू बॉक्सेस फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर से हम बराबर रख के तो वन बॉक्स जो है उसको फिल कर लेंगे। यहाँ तक हमारा जो है ये फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जो है हम अपने नीडल को लेकर जाएंगे, जो हमने ऊपर से ये वन बॉक्स फिल किया उससे नेक्स्ट वाला जो है ऊपर से हम खाली छोड़ के तो नीचे वाले जो हैं वन टू और थ्री थ्री बॉक्स ही फिल कर लेंगे। थ्री बॉक्स ही फिल करने के बाद दोनों साइड से इसकी बढ़ा के नेक्स्ट में तो फाइव बॉक्सेस फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला इसी तरह सेम फाइव बॉक्सेस फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है हम नीचे से उसके बराबर रख के ऊपर से कम कर लेंगे, ये हमारे फोर बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम नीचे से एक कम करेंगे ऊपर से बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट में नीचे से जो है वो बराबर रख के तो ऊपर से हम बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट में नीचे से बराबर ही रहेगा और ऊपर से फिर हम जो है वन बॉक्स बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ऊपर से हम टू बॉक्सेस काम करेंगे और नीचे से वन बॉक्स काम करेंगे और ये हमारे थ्री बॉक्सेस जो हैं वो फिल हो जाएंगे। इनको फिल करने के बाद ये देखिए अब ये इससे ऊपर जो है हम टू बॉक्सेस जो हैं उनको खाली छोड़ देंगे और उससे ऊपर वाले टू बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में दोनों साइड्स पे वन वन बॉक्स बढ़ा के तो हम ये फोर बॉक्सेस फिल करेंगे। ये फोर बॉक्सेस फिल करने के बाद नेक्स्ट में हम सेम बिल्कुल जिस तरह हमने ये फोर बॉक्सेस फिल किए हैं नेक्स्ट में भी हम इसी तरह फोर बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर इसे नेक्स्ट में जो है नीचे से हम उसके बराबर रखेंगे और ऊपर से जो है ये फोर हमारे बॉक्सेस थे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हमारे नाइन बॉक्सेस जो हैं वो फिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में जो है हम नीचे से जो है वो एक काम कर लेंगे और ऊपर से इसके बराबर रख के ये हमारे एट बॉक्सेस हो जाएंगे, इनको हम फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट में दोनों साइड्स पे वन वन बॉक्स जो है उसको हम काम कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ से जो है हम अपनी नीडल जहाँ पर लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारे वन टू थ्री और फोर फोर बॉक्सेस जो हैं ये हमारे खाली रहेंगे, इनको हम खाली छोड़ के तो नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम अपनी नीडल को लेकर जाएंगे जहाँ से हमने टू बॉक्सेस छोड़े थे। यहाँ पे फोर छोड़ के यहाँ पे जहाँ पे हमने टू बॉक्सेस छोड़े थे वहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फोर बॉक्सेस उससे ऊपर टू बॉक्सेस छोड़ के तो फोर बॉक्सेस से ऊपर वाले जो है उनको हम फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ये देखिए हमने ये टू बॉक्सेस ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं और नीचे से कम किए। फिर नेक्स्ट में जो है ऊपर से इसके बराबर रखेंगे और नीचे से कम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ऊपर से एक हमने बढ़ा लिया नीचे से हमारा इक्वल है। फिर नेक्स्ट में जो है बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये वाले बॉक्सेस फिल किए हैं वन टू थ्री फोर फोर बॉक्सेस फिल किए हैं, नेक्स्ट में भी बिल्कुल वही सेम वाले फोर बॉक्सेस हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट में जो है हमारा ऊपर से हमने एक बढ़ा लिया है नीचे से हमने टू बॉक्सेस कम किए हैं तो ये हमारे जो हैं वन टू थ्री फोर बॉक्सेस जो हैं ये हमारे फिल हो गए। अब नेक्स्ट में जो है इससे सेंटर वाले टू बॉक्सेस फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो टू बॉक्सेस फिल करेंगे फिर नेक्स्ट में जो है वन बॉक्स हमारा ऊपर वाला फिल होगा। फिर इससे नेक्स्ट में फिर हम ऊपर से जो है वो छोड़ के नीचे वाला वन बॉक्स जो है उसको हम फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ये देखिए यहाँ पे हमने इक्वल रखा है इसे और नीचे वाला जो है एक बढ़ा के इसको हमने बना लिया। अब फिर यहाँ से जो है ये हमने ऊपर से जो है वो छोड़ के बॉक्सेस दिए और नीचे वाले टू बॉक्सेस जो हैं उनको फिल कर दिए। फिर नेक्स्ट में यहाँ से हमने वन बॉक्स ऊपर से छोड़ दिया और नीचे से बढ़ा के ये हमने टू बॉक्सेस फिल कर दिए।
अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये सेंटर वाला ये वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए, अब ये देखिए ये हम सेंटर वाला जो है इसको बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक तो बन चुका है। ये 1 2 3 4 फोर बॉक्सेज हैं वो हमारे यहाँ से खाली रहेंगे। अब नेक्स्ट में अंदर वाली साइड पे हम फिलिंग करेंगे। नीचे से हम जो है 1 बॉक्स छोड़ेंगे और ऊपर से ये देखिए हमारे 3 बॉक्सेज जो हैं वो खाली आ रहे हैं। तो ये हम 2 बॉक्सेज फिल कर लेंगे। 2 बॉक्सेज फिल करने के बाद नेक्स्ट में ऊपर से हम जो है वो उसके इक्वल रख के नीचे से कम कर लेंगे, बढ़ा लेंगे सॉरी। ये हमारे 3 बॉक्सेज फिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर से हमने इसके इक्वल रखा है और नीचे से एक बढ़ा लिया, ये हमारे 4 बॉक्सेज फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट में बिल्कुल इससे सेम 4 बॉक्सेज फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर से 2 काम कर लेंगे और नीचे वाले 2 बॉक्सेज हैं उनको हम फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है हम 1 बॉक्स फिल करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ तक हमारा जो है ये कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ही आप जो है अपनी नीडल को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ से ये देखिए ये आप 2 बॉक्सेज फिल करेंगे, ऊपर से 3 छोड़ देंगे, 2 बॉक्सेज फिल करेंगे, नीचे से ये 1 बॉक्स खाली रहेगा। फिर नेक्स्ट में 1 बॉक्स हम फिल करेंगे, ऊपर से एक जो है वो कम कर लेंगे और नीचे वाला सेम रख के। फिर नेक्स्ट में ये देखिए हम 1 2 और 3 3 बॉक्सेज हम फिल करेंगे। तो इसके लिए जो है ये ऊपर से भी एक बढ़ाएंगे और नीचे से इस तरह ये हमारे 3 बॉक्सेज फिल हो गए। अब नेक्स्ट में ये देखिए आपको हमने ऊपर से भी 2 बॉक्सेज जो हैं वो ऐड किए हैं और नीचे से, और ये हमारे जो हैं 3 4 5 6 7 बॉक्सेज हो जाएंगे, उनको हम फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ऊपर से हम 2 बॉक्सेज हैं उनको कम कर लेंगे और नीचे से 1 बॉक्स 1 और 2 2 बॉक्स ऊपर से 2 बॉक्स कम करेंगे और नीचे से 2 बॉक्सेज उनको हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम उनको फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ये देखिए हमने दोनों साइड से 1 1 बॉक्स जो है इसको कम कर लिया। फिर नेक्स्ट में बिल्कुल सेम बनाएंगे जिस तरह हमने ये वाले 1 2 3 4 5 बॉक्स फिल किए थे। नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से ये 5 वाले बॉक्सेज हैं इनको फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है हम ऊपर से बिल्कुल इक्वल रखेंगे, नीचे से कम करके ये हम 4 बॉक्सेज फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है ये देखिए ऊपर से भी ये कम कर लिया, नीचे से भी ये हमारे 2 बॉक्सेज जो हैं वो फिल हो जाएंगे। अब ये वाला हमारा पार्ट जो है वो रह गया। अब यहाँ से जो है हम नीडल को यहाँ लेकर जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम ये जो 1 बॉक्स फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बॉक्स फिल करेंगे सेम, और फिर नीचे से फिर हम सेम में जो है वो रखेंगे और ऊपर से बढ़ा के 2 बॉक्सेज कर लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ से हमारे 2 बॉक्सेज खाली रह रहे हैं और ऊपर वाले हमने 2 बॉक्सेज फिल कर लिए। फिर नेक्स्ट में जो है हम 3 बॉक्सेज फिल करेंगे, ऊपर से हम इक्वल रख के नीचे से एक बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट में ऊपर से इक्वल रख के नीचे से फिर बढ़ा लेंगे, ये 4 बॉक्सेज हमारे फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है ये देखिए ऊपर से कम कर दिए हमने और नीचे से हमने 2 बॉक्सेज हैं उनको बढ़ा लिए। फिर नेक्स्ट में ऊपर से 1 बॉक्स कम करेंगे और नीचे से 2 बॉक्सेज कम करके ये 3 बॉक्सेज जो है उनको फिल कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा फ्लावर जो है ये बन जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सा मोटिव बना है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। और आप लोग अगर जो है पहले से तारकशी जो है वो करना जानते हैं और आप जो है वो इसका डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीन शॉट लेके तो उसकी हेल्प से भी जो है ये आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सनियर एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और डिज़ाइन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।